रेवेनेंट के लिए दिक्कतें हो सकती है टीम एक्स पाक उनके अगेंस्ट गॉड लाइक चढ़ती नजर आएगी। इनफैक्ट एक खिलाड़ी को डाउन किया, अब मात्र एक खिलाड़ी, इट्स जोनाथन वर्सेस सयम। ही नीड्स टू हील और उसके बाद ही आगे जा सकते हैं। सयम को भी आप देखिए थोड़ा सा पीछे की तरफ को रुक करके बैठे हुए और एक मोलोटोव बिल्कुल सामने डाला जाएगा। अब ये बेबी इट्स 3 AM हैज यू ऑन माय माइंड एंड इट्स नॉट फर्स्ट टाइम वी गॉन थ्रू दिस। अब पहला जो मैच था ओशन, जो हमने साथ में कास्ट करा था, मैं कहूंगा एक वो मैच जरूर से था जहां पे बिल्कुल अर्ली स्टेज ऑफ द मैच में एक्शन 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 देखने को मिल रहा था, बट उसके बाद कहीं ना कहीं टीम ने रियलाइज कराए कि जो अर्ली फाइट्स हैं उसमें अगर आप इन्वॉल्व होते हैं तो फायदा दोनों ही टीम्स का नहीं है कहीं ना कहीं। किसी भी टूर्नामेंट में आपको याद होगा जो भी हम लोगों ने एक साथ किए जो ऑफिशियल टूर्नामेंट्स रहे हैं उनमें या तो फर्स्ट गेम बहुत स्लो होता है और उसी टूर्नामेंट का लास्ट गेम बहुत फास्ट होता है क्योंकि उस टाइम हर टीम ये सोच रही थी कि हमारे पास प्राइस पूल का एक चंक रहेगा, चीजें रहेंगी वगैरह वगैरह। यहाँ पर थोड़ा उल्टी शुरुआत है तो मुझे लगता है शायद लास्ट गेम थोड़ा स्लो, लास्ट गेम तक जाता है थोड़ा स्लो हो सकता है क्योंकि आपको पता जब एक दिन का फाइनल होगा तो बहुत चीजें स्टेक पर होंगी, उस टाइम तो हर चीज बहुत ज्यादा कैलकुलेटेड होगी। और इस समय अगर कैलकुलेशंस की बात करें तो शैडो वहां से कैलकुलेट कर रहे थे निग्मा गैलेक्सी के खिलाड़ियों को और जी गॉड उनकी गाड़ी टेढ़ी हुई, वो समझ गया कि यहीं पर रोकना पड़ेगा खुद को। जोनाथन भी मूव कर रहे हैं, अब निग्मा गैलेक्सी के ऊपर प्रेशर आ सकता है बट जी गॉड वो बाल बाल बचे उस मोलोटॉफ से और अब किए जा रहे थ्रोएबल्स। नियो भी आगे आ चुके हैं, शैडो इज गिविंग देम अ परफेक्ट कवर बट मुझे लगता है शायद शैडो भी जल्दी इस फाइट में ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल वीकर लेकर के एक बढ़िया ऑफ गार्ड एंगल क्रिएट करने की कोशिश जरूर से रहने वाली है बट ड्रीम्स ने वहां पे स्पॉट करके रखा है ऑलरेडी जोनाथन को, तो ऐसे में मुश्किलें बढ़ सकती है। पहला नॉक निकालना बहुत क्रूशियल बट विक्की की बात करें पूरी तरीके से वो फंस चुके हैं, तीन तरफ से उनके ऊपर शॉट लिए जा रहे हैं एंड इनफैक्ट वहां पे डाउन किए जाएंगे जोनाथन के द्वारा। शैडो वहां पे डाउन करेंगे एमजे को, निग्मा गैलेक्सी एक अलग मुकाबला जरूर लेकिन वो जो अंजाम है वो एक बार फिर से लगभग बराबर ही नजर आता हुआ। ड्रीम्स एंड अपोलो मात्र दो खिलाड़ी बचेंगे एंड टीम गॉडलाइक पूरी तरीके से यहां पे पोशन करते हुए जो बाकी के बचे हुए दो फिनिशेस हैं वो भी उनको चाहिए। दोनों की कोशिश है लेकिन ये बगी की आवाज शायद खिलाड़ियों को आई हो या ना आई हो, शैडो थोड़ा पीछे की तरफ को जा रहे हैं, अपोलो जंप एंड पंच करके मूव आउट कर रहे हैं, थोड़े बहुत शॉट्स दिए जरूर जा रहे हैं बट कितनी देर में क्योंकि अपोलो है जो कि आगे की तरफ को मूव कर रहे हैं। यस जोनाथन के पास उनका एक फिनिश का डैमेज डेफिनेटली और शैडो की बात करें 192 का डैमेज उनके पास होता हुआ और भी नंबर्स बढ़ाने पड़ेंगे बट दोनों को एक एक फिनिश मिल चुका है, अब इसके आगे की कहानी लिखी जाएगी। मिनी के कम से कम दो टैप्स लगते तब जाकर के दिक्कत दे पाते वो, तो इसीलिए उन्होंने कोई शॉट नहीं लिया लेकिन इन्फॉर्मेशन रिले हो चुकी है रेवेनेंट के लिए दिक्कतें हो चुकी है टीम एक्स पाक उनके अगेंस्ट गॉड लाइक चढ़ती नजर आएगी। इनफैक्ट एक खिलाड़ी को डाउन किया और सीधा फिनिश करेंगे, अब ये पता चल चुका होगा कि हाँ पीछे से कोई एक टीम आ रही है बट एक्सो तीसरा जो अपना फिनिश है वो वहां पर कलेक्ट करते हुए नजर आएंगे बट अभी के लिए जोनाथन बहुत ज्यादा मुश्किल यहां पर जो फाइट्स है वो जरूर से रहने वाली क्योंकि जोन के बाहर ये सारी टीम रेवेनेंट के सयम ऑलरेडी क्लोज इन कर चुके हैं। जोनाथन के पास एक हल्का सा रेज का कवर है लेकिन अब वो जो ब्लू का डैमेज है वो भी आने वाला है। सयम के ऊपर कुछ शॉट दिए जाएंगे, एक ग्रेनेड गया, स्पैश डैमेज आएगा बट क्योया को डाउन किया गया और अब मात्र एक खिलाड़ी, इट्स जोनाथन वर्सेस सयम। ही नीड्स टू हील और उसके बाद ही आगे जा सकते हैं। सयम को भी आप देखिए थोड़ा सा पीछे की तरफ को रुक करके बैठे हुए और एक मोलोटॉव बिल्कुल सामने डाला जाएगा। अब ये बारी आ चुकी है सयम को, मोलोटॉव लग चुका है मतलब जोनाथन ये फाइट निकालने के लिए उनके ऊपर भी शॉट्स आ रहे हैं, वो खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहेगी क्योंकि गॉडलाइक भी बाहर होती नजर आएगी।